निकुब्दी का मॉन्क टेस्ट है, और इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि पात्र ए में दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:8 है, और पात्र बी में कितना है, 3:2 है। तो दोनों विलयनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि यह 5:4 हो जाए। ये जो प्रॉब्लम बनेगा वो एलिगेशन पे बनेगा, तो देखते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम बनता है। यहाँ देख रहे हैं पात्र ए है और यह क्या है, पात्र बी है। ये जो है पात्र ए है और पात्र बी है, तो क्या है, क्या कर रहा है, पात्र ए में कर रहा है कि पात्र ए में जो है मिल्क एंड वाटर, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:9 है, 1:9 है, ठीक है। इसे देखिए आप, दूध और पानी का अनुपात कितना है, 1:8 है, ठीक है। और दूध और पानी का अनुपात कितना है पात्र बी में, 3:2 है, ठीक है। तो पात्र ए में क्या है कि 1:8 है, और पात्र बी में कितना है, ठीक है, मिल्क एंड वाटर का अनुपात जो है 3:2 है, ठीक है। तो ये जो है, अगर 1 लीटर दूध है तो 8 लीटर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। जब 1 लीटर दूध है तो 8 लीटर पानी मिला हुआ है पात्र ए में, और बी में क्या कर रहा है, जब 1 लीटर 3 लीटर दूध है तो 2 लीटर क्या मिला हुआ है, पानी मिला हुआ है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 5 लीटर। यहाँ कितना हो गया टोटल, 8 9 लीटर, ठीक है। यानी कि 9 लीटर में 1 लीटर क्या मिला हुआ है, दूध मिला हुआ है। यहाँ 5 लीटर में 3 लीटर क्या मिला हुआ है, मिल्क मिला हुआ है, ठीक है। तो 1/5, तो मिल्क इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/9, यहाँ क्या हो जाएगा, 3/5, ठीक है। किस अनुपात में मिलाएं कि उसका अनुपात 5:4 हो जाए, 5:4 हो जाए। यानी कि अगर मिल्क 5 है तो वाटर कितना, 4, यानी कि टोटल कितना हो गया, 9। यानी कि टोटल कितना, 9 लीटर में 5 लीटर क्या हो जाए, 5 लीटर हमारा क्या हो जाए, मिल्क हो जाए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं, अगर 9, 9, 9 और 5 तीनों का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो कितना आता है, 95। 95 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा, 9 5 45, ये 5 हो जाएगा। यहाँ 15 3 45, सॉरी 9 5 45, 9 3 27, 27 हो गया, ठीक है, 27 हो गया। ये कितना हो गया, 5 हो गया। यानी कि पात्र ए यहाँ एलिगेशन कर रहे हैं, ठीक है। अब पात्र बी, तो यहाँ क्या है, एक ए के पास दूध की मात्रा कितना होगी, 5 लीटर, ठीक है। अब बी के पास कितना हो गए, 27 लीटर, ठीक है। तो 9 5 45, सी के पास, ठीक है, 5 5 25, 25 हो गया, ठीक है, 25 लीटर। तो यहाँ क्या हो गया, अगर पात्र ए 5 लीटर है, पात्र बी में 27 लीटर है, और तो दोनों को मिलाने पे कितना हो गया, 25 लीटर। दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, 25 लीटर, ठीक है, 25 लीटर। तो पात्र बी में एलिगेशन इस तरीके से करते हैं, जो मिडिल हो गया मिलाने पे 25 लीटर, ठीक है। तो पात्र बी यहाँ से 27 से क्या करेंगे, 27 से 25 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि 27 - 25 इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। अब यहाँ 25 से 5 घटाएंगे, यानी 25 से 5 घटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 10 × 20, यानी कि कितना हो गया, 1:10 हो गया, ठीक है। यानी कि 1:10 के अनुपात में मिलाएंगे तो हमारा जो अनुपात हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 5:4 का अनुपात हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भूपेन हजारिका सेतु किन दो राज्यों को जोड़ता है। तो भूपेन हजारिका सेतु असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीन नंबर जो क्वेश्चन है आपको, फिर मैथमेटिक्स, तीन नंबर क्वेश्चन जो है मैथ का है, फिर से एलिगेशन का प्रॉब्लम है। हम लोग यहाँ देखते हैं किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि ए और बी का अनुपात कितना है, 3:3 कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं ए, यहाँ बी, यहाँ सी, और बी सी का अनुपात कितना है, 8:7 है। तो ए बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो ए अनुपात बी अनुपात सी इज इक्वल टू व्हाट खोज रहा है, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ 8 है ना, तो यहाँ ये बी कॉमन है, तो क्या करते हैं, इन दोनों को बराबर करने की कोशिश करते हैं। इस अगर इसमें मल्टीप्लाइड कर दिया या 2 से, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा,
सिक्स अनुपात कितना हो जाएगा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा बी अनुपात सी, 8:7 हो जाएगा, सॉरी 8:6:8 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा देखिए 6:8:7 यही हो जाएगा हमारा 6:8:7 यहाँ आंसर आ गया। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्या है, आगे सिंपल सा है, बहुत ही सिंपल है ये जो प्रॉब्लम है। क्या कर रहा है कि एक वस्तु इतना रुपये में खरीदा, यानी सीपी कितना है 600 है, अब और इतना रुपया प्रॉफिट कितना है तो 154 है, दोनों को जो ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा 754, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 754, ये हो गया एसपी यानी सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह ये कह रहा है कि बीएससी छात्र है और एमएससी और एम पीएमटी है, पीएमटी जो छात्र होता है, यहाँ जो छात्र होता है वो ये जो हो गया छात्र हो गया, छात्र जो होता है ठीक है, ये छात्र जो हो गया ये छात्र हो गया ठीक है, एक क्या होगा बीएससी का हो सकता है, बीएससी का और पीएमटी का होगा ठीक है, ये रिलेशन हो गया छात्र जो बीएससी का और पीएमटी का हो सकता है। ठीक है नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, एक यहाँ देख सकते हैं ठीक है 5 है और 30 है, तो यानी कि 5 5 और 30 है, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 गुना 5 प्लस 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 हो गया, यानी 6 5 30 यहाँ देख रहे हैं दिए हुए 8 फिर 8 प्लस 1 यानी कि 9 9 72 यह आंसर हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसने, राजा राम मोहन राय ने की। नेक्स्ट द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यांक समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर किसने दिया था, अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 400 रुपये का 25% की दर से 2 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। हाँ तो यहाँ से 25% का जो 2 ईयर्स का जो हो जाएगा कितना हो जाएगा ठीक है 56.25 हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम लोग एस सी आई निकाल लेते हैं, सी आई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4000 मल्टीप्लाइड बाई 56.25 बाई 100, यहाँ से निकाल लेंगे हमारा आ जाएगा 2022,250। ठीक है यहाँ से माइनस कर देंगे 22,250 इक्वल टू कितना आएगा 250, ये हमारा आ जाएगा सी, ये एस आई हो गया और ये सी आई का डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है ये लॉन्ग प्रोसेस हो गया, लेकिन अगर शॉर्ट प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पे दिया हुआ है शॉर्ट प्रोसेस किस तरीके से हम लोग करेंगे। ठीक है देखिए यहाँ पे शॉर्ट प्रोसेस है यानी कि 2 साल का जो हम लोग एस आई और सी आई का जो डिफरेंस होगा ठीक है, तो उसका हम लोग यहाँ फार्मूला से निकाल सकते हैं कि P into R/100 का होल स्क्वायर, P कितना हो गया हमारा 4025/100 ठीक है का होल स्क्वायर। ठीक है तो 25 × 100 कट जाएगा 1:4:4 हो जाएगा, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे ठीक है, कैलकुलेशन करने के बाद हमारा क्या आ जाएगा 250 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है आगे की क्वेश्चन हम लोग देखते हैं आगे क्या है, यहाँ जो सेंटेंस है पैक है कथन दिए हुए है कुछ तर्क दिए हुए, इसमें देखना है कि सबसे मजबूत तर्क क्या है, तो कथन दिए हुए क्या कंपनियों में सेल फोन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, तो तर्क कर रहा हाँ सरकार ने पहले से ही कई कंपनियों में सेल फोन पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, दूसरा कथन कर रहा है नहीं इसकी अनुपस्थिति भी काम को प्रभावित करेगी क्योंकि आज के जीवन में सेलफोन का बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ ये सही कह रहा है बहुत अच्छी बात है ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 यानी कि 2 जो क्या है ए से ज़्यादा मजबूत है, 2 का जो तर्क है वो क्या है ज़्यादा मजबूत है। ठीक है तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है भीम
एक मोबाइल ऐप है जिसे भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया। किसके द्वारा विकसित किया गया? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा विकसित किया गया है। भीम के अंतर्गत आई का तात्पर्य है इंटरफेस से। आई भीम, भी में जो आई है उसका क्या है, इसके भीम का फुल फॉर्म हो जाता है भीम इंटरफेस फॉर मनी, ठीक है, भीम इंटरफेस फॉर मनी। तो आई आई का जो इंडिकेट कर रहा है किससे, इंटरफेस से, यानी भी सॉरी भीम का जो फुल फॉर्म है भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। आई क्या है, इंटरफेस है, ठीक है। तो वही कह रहा आई आई क्या क्या तात्पर्य है, आई का तात्पर्य है इंटरफेस से, यानी भारत इंटरफेस फॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिनेदिन जिदान का संबंध किससे है? जिनेदिन जिदान एक जो है फुटबॉल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। जिनेदिन जिदान का संबंध किससे है, एक फुटबॉल फुटबॉल। नेक्स्ट है जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है? तो जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है उत्तराखंड में। जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क जो है, जिम कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, उत्तराखंड में है। भारत के किस राज्य में हॉर्नबिल उत्सव मनाया जाता है? नागालैंड में, या हॉर्नबिल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है। हाँ, तो हॉर्नबिल उत्सव कहाँ मनाया जाता है। रीजनिंग, यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, कह रहा है 13:182, है ना, तो 15:2 क्या होगा, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर करते हैं, 13 है 169, ठीक है, उसके बाद 13 जोड़ देते हैं तो उसमें कितना आता है, 182 आया था। उसी तरीके से 15 का स्क्वायर कर देंगे तो 15 15 है 225, और प्लस 15 कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 240। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 200। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा क्वेश्चन, कि दो संख्याओं का लसा और मसा दिए हुए हैं। लसा दिए हुए, एलसीएम दिए हुए, और एचसीएफ दिए हुए, ठीक है। एलसीएम कितना दिए हुए हैं, ठीक है, एलसीएम दिए हुए 102, और एचसीएफ कितना दिए हुए हैं, ठीक है, 17, यानी कि लसा दिए हुए हैं इतना, और मसा मसा पर दिए हुए हैं, ठीक है, कितना, 17, ठीक है। और यदि एक संख्या 51 हो, यदि एक संख्या 51 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है। तो एक संख्या 51 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो हम लोग जानते हैं लसा गुने मसा मसा लसा लसा गुने मसा, ठीक है, ठीक है, इक्वल टू होता है संख्याओं का गुणनफल। तो लसा कितना दिए हुए, 102 दिए हुए, मसा कितना दिए हुए, 12 दिए हुए, और एक संख्या कितना 51 दिए हुए, दूसरी संख्या निकल जाएगा ना, एक्स इक्वल टू कितना हो गया, ये गुना में, तो आगे भागा में आ गया, यहाँ से दो मरतबा हम कट जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, 34 आ गया आंसर इसका, ठीक है। आगे देखते हैं क्या है, कराई रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? तो रेडियो एक्टिविटी की खोज जो की थी, हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी, हेनरी बेकुरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी। देखिए यहाँ पे जो हम लोग जो क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, 154 और 150 और 144 है, ठीक है। अगर ए मामला मान लेते हैं हम लोग 154, और बी इजिकल टू क्या मान लेते हैं, 144, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, ऊपर ए क्यू हो जाएगा, और माइनस बी क्यू इजिकल टू नीचे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस क्या है, ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू क्या होता है, ए माइनस बी का ऑल क्यू प्लस 3ab प्लस ए माइनस बी, ठीक है। और क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू इजिकल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर, और नीचे भी क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो ये से ये कट जाएगा, है ना। तो अब जो है क्या आ जाएगा, ए माइनस बी, ठीक है। ए कितना है, 154 माइनस 144 इज इक्वल टू आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट है कि रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है। तो रणजी ट्रॉफी किस क्षेत्र में दी जाती है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में दी जाती है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेयरमैन कौन है, तो RBI का जो चेयरमैन है वो रजनीश कुमार है। कौन है, रजनीश कुमार। हाँ, तो यहाँ पर मैथ का जो प्रॉब्लम है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आप लोग कर सकते हैं। देखिए क्या है,
भागा वन बाई थ्री भागा वन बाई थ्री, जैसे ये कितना गया, वन में कैंसिल हो जाएगा, फिर वन मल्टीप्लाइड बाई वन बाई थ्री कितना हो गया, ये वन बाई थ्री हो गया, फिर बाई कितना हो जाएगा, तो नौ यहाँ से नौ तिया 27 हो जाएगा, फिर तीन तिया है नौ, यहाँ कितना आ जाएगा, फिर वन बाई थ्री हो जाएगा, ठीक है, कितना हो गया वन बाई थ्री मल्टी, ये भागा में है तो पलट जाएगा, ठीक है, थ्री बाई वन कितना आ जाएगा आंसर इसका, वन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और इसमें देखने वाली बात है, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये जो है ये वाला, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है, ठीक है। तो यहाँ अगर इसमें है तो ये किस में गया, ये इस तरीके से क्लॉकवाइज में गया, ठीक है। और ये जो तीर का निशान है, ये तीर जो है इसका पोजिशन ले लिया, ठीक है, इस बल्ब का पोजिशन ले लेता है, इसका इस बल्ब का पोजिशन पहले से ले लिया, उसी में देखिए ये यहाँ पे है, ठीक है, नीचे की ओर है, ठीक है। तो ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन जाएगा, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कहाँ जाएगा, इस तरफ इस ओर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा। और फिर ये जो पोजीशन लेगा तीर का निशान, किसका पोजीशन ले लेगा, इसका पोजीशन ले लेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके का हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा मानव द्वारा इस्तेमाल में लाई गई प्रथम धातु कौन सी, तो मानव द्वारा सबसे प्रथम धातु जो इस्तेमाल में लाया गया है वह क्या था, तांबा था, ठीक है। तो मानव द्वारा प्रथम धातु जो इसे इस्तेमाल में लाया गया वो क्या था, तांबा था। कह रहे लाफिंग नाम, लाफिंग गैस के नाम से किसे जाना जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को लाफिंग गैस से, लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अब लिखा हुआ है नाइट्रस ऑक्साइड हंसने वाली गैस है ना, यानी कि लाफिंग गैस। इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, N2O, जबकि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। N2O किसका है, नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि लाफिंग गैस का, जबकि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया। यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। अगर यहाँ पे NO2 दिया जाए तो वो लाफिंग गैस नहीं होगा, वह क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जबकि N2O हो तो वो क्या होगा, हंसने वाली गैस यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। तो यहाँ देखिए एवरेज का बहुत ही मतलब कि आसान सा प्रॉब्लम है। यहाँ देखिए क्या करा है, अविनाश और उसके पिता की वर्तमान आयु का जो आयु जो है कितना है, का औसत दिए कितना, 30 वर्ष दिए है, यानी कि दो आदमी हो गया ना, नंबर्स कितना गया, दो हो गया, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय औसत कितना हो गया, 30, यानी टोटल उम्र की दोनों का मिला करके टोटल उम्र कितना हो गया, 60 ईयर्स, ठीक है। तो 10 साल बाद जो है अविनाश की आयु कितना हो जाएगी, 35 साल, ठीक है, 10 साल बाद, लेकिन अभी कितना है, -10 कर देंगे ना, तो 25 साल है, 25 साल अभी है, और टोटल अभी जो है टोटल का दोनों का उम्र कितना है, 60 साल, तो -25 कर देंगे कितना आ जाएगा, 35, यानी कि ये जो उसके पिता की जो औसत आयु जो है, सॉरी औसत है यानी वर्तमान आयु जो है अभी कितना है, 35 ईयर्स हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फिर से देखते हैं इस क्वेश्चन प्रॉब्लम को, कि अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। भाई यहाँ हमको जीरो आ गया ना, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ देखिए ना ये जीरो है ना, तो भाई अगर इनको कैलकुलेशन करेंगे, इनको कुछ भी जीरो से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर, जीरो ही तो हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे हम दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, कि 20 किसी संख्या का कोई भी संख्या मान लिया एक से, उसका 25% कितना हो गया, 280 हो गया, ठीक है। मुझे मान लिया कि 280 दिया हुआ है, ठीक है, और पूछ रहा है कि उसका किसी संख्या का 25%, ठीक है, तो 25% क्या होगा, ठीक है, तो 25% कि उसका 25% की संख्या को 25% क्या हो गया, यानी कि ये संख्या क्या है ये ना, तो क्या हो जाएगा 100/25, यहाँ से कर देंगे 25 चौक 100 कर देंगे फिर, ठीक है, 28 चौक बोलिए तो सही, ये इस तरीके से भी हम लोग दूसरा तरीका, ये मेरा तरीका जो है वो इस तरीके से, यानी कि 248 संख्या हो गया, ठीक है, और संख्या कितना होगा 100, तो किसका 100 का कितना x 25 हो जाएगा ना, यहाँ यहाँ से भी कर सकते, यही सही है,
आपके लिए। देखिए क्या करा, विषम युग्म को चुनिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए बी सी और डी में, ठीक है, सभी को देखिए। तो यह सी में जो देख, ये जो है सी में जो है, यहाँ देखिए कि जी और सी का जो डिफरेंस यहाँ 4 है, बाकी देखिए सब यहाँ ई और जी का डिफरेंस 2 है, पी आर का डिफरेंस 2 है, लेकिन यहाँ पे देखिए जी और सी का जो डिफरेंस है वो क्या है, 4 है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, कहाँ आयोजित हुआ था? वह आयोजित हुआ था बेलगांव में आयोजित हुआ था, ठीक है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। नेक्स्ट है, एक रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है, गामा कण, अल्फा कण, बीटा कण, उपरोक्त सभी, सभी किरणें उत्सर्जित करता है, ठीक है। रेडियो एक्टिव पदार्थ वह पदार्थ है जिसमें अस्थायी प्रकृति का नाभिक अल्फा बीटा तथा गामा जैसे विकिरणों का उत्सर्जन करके अस्थायी तत्व में बदल जाता है। जैसे में इसका जैसे में यूरेनियम हो गया, रेडियम हो गया, ठीक है, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, पोलोनियम हो गया, और क्यूरियम हो गया, इत्यादि क्या है जो रेडियो एक्टिव सक्रिय पदार्थ हैं। नीदरलैंड की राजधानी क्या है? नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम है, ठीक है, एम्स्टर्डम नीदरलैंड की राजधानी है। एंड कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है। कोपेनहेगन कोपेनहेगन किसकी राजधानी है? डेनमार्क की राजधानी है। ये कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है। यहाँ ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 किसने जीता है? तो ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप 2018 इंडिया ने जीता है। द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा किस शब्द को वर्ष 2017 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है? वह शब्द है आधार। आधार शब्द है जिसको द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा जो है 2017 का हिंदी शब्द घोषित किया गया है। एशियान में देशों की संख्या कितनी है? 10 है। एशियान के सदस्य है थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, फिलीपींस हो गया, कंबोडिया हो गया, म्यांमार हो गया, लाओस हो गया, ब्रुनेई। कुल 10 सदस्य हैं एशियान में। कुल कितने सदस्य हैं? कुल 10 सदस्य हैं। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किसका आविष्कार किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था। यहाँ पूछ सकता है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। यहाँ देखिए क्या कह रहा है, यहाँ है कि 7 to the power n माइनस 3 to the power n का गुना क्या क्या है? तो 7 to the power n तो कितना 49 हो गया, है ना। 3 to the power 3 कितना, 3 × 3 = 9, 27 हो गया, ठीक है। यहाँ कितना बचा, 49 - 27, ठीक है, कितना आ गया, 22। जो 22 है किसका गुणक है? 11 × 2 होता है, 22 होता है। किसका गुणक है? तो 11 का गुणक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, आगे है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के आधार पर कार्य करता है। किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक। यहाँ प्रतिबिंब की आकृति पूछ रही है, ठीक है, ये मिरर है, तो इसका प्रतिबिंब क्या होता है? हम लोग जानते हैं इसका प्रतिबिंब जो होता है अपोजिट हो जाता है, जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ जस्ट उल्टा करते हैं, तो ये देखिए इसका उल्टा करते हैं, ये ऊपर इस तरीके का हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है बी 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 में ऑप्शन में देखिए, जैसे इसका अपोजिट होगा, ठीक है, जस्ट नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए। नेक्स्ट है, बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो बास्केटबॉल की प्रत्येक टीम में 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी सी डी दिए हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ देखिए गैप होगा, ए टू सी है, सी टू ई यानी कि डी ई हो गया, एफ जी हो गया, ठीक है, एच आई, यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिएगा फिर इसी तरीके से बी के बाद सी है, सी के बाद डी है, डी के बाद ई है, ई के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ एफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आई होगा आंसर, आंसर आई हो जाएगा। नेक्स्ट है कि एक वयस्क मानव में सामान्य रक्त आयतन की मात्रा कितनी होती है? तो 5 लीटर, मनुष्य वयस्क में लगभग 5 लीटर, महिलाओं में रक्त आयतन पुरुषों की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 45 आदमी है, वहाँ हम लोग यहाँ वन मैन वन डे एंड वन वर्क, इसके वन वर्क
वन डे, ठीक है, इस फॉर्मूले पर हम लोग सेट करेंगे, ठीक है। तो 45 आदमी जो है 6 घंटे काम करता है, ठीक है, कितना दिन तक काम करता है, 30 दिन तक काम करता है, तो टोटल वर्क हो गया, ये क्या हो गया टोटल वर्क, ठीक है। अब जो है 15 आदमी 15 घंटा काम करता है, 15 घंटे आदमी जो है 15 घंटा काम करता है, तो टोटल कितना दिन में काम कर लेगा, ठीक है, यहाँ कर देंगे 15 दुनी 30 हो जाएगा, ठीक है, आप 15 या 45 हो जाएगा, अब 3 दिन 6 6 6 कितना हो जाएगा, 36 दिन, 36 दिन में पूरा कर लेगा, ठीक है। ये क्या बेवकूफ संबंध स्थापित करना, बेवकूफ से बुद्धिमान हो जाएगा, तो चतुर से क्या हो जाएगा, मूर्ख हो जाएगा, ठीक है। मानव आँखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ देखिए क्या है, यहाँ है 5 5 2 8, 8 2 कितना, 5 5 3 8, 8 3 11, 11 3 14, यहाँ कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुतेरस, एंटोनियो गुतेरस। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, एंटोनियो गुतेरस। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, तो होम रूल आंदोलन के प्रणेता बाल गंगाधर तिलक थे, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को साधारणतः क्या बोला जाता है, इस कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को साधारणतः एस्बेस्टॉस बोला जाता है, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को साधारणतः एस्बेस्टॉस बोला जाता है। यहाँ देखिए, बेकिंग सोडा का है सोडियम बाइकार्बोनेट NaSCO3, वाशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, एंड बोरेक्स का है सोडियम टेट्रा बोरेट Na2BO4O5 हॉल OH4, ठीक है, N2 10 N2 8 H2O। एस्बेस्टॉस इट इज़ यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, एस्बेस्टोस का जो इस्तेमाल करते हैं किसमें इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है एस्बेस्टोस बोला जाता है, ठीक है। यहाँ बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट और वॉशिंग सोडा का सोडियम कार्बोनेट, इसको याद रख लीजिए NaSCO3। नेक्स्ट है, एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है। फैदम जो है दूरी का मात्रक है, ठीक है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फैदम जो है दूरी का मात्रक है, एक फैदम बराबर कितना होता है, 6 फीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, वन इंडियन गर्ल्स का लेखक कौन है, तो चेतन भगत। यहाँ पे 400 रुपये का 25% की दर से 20 वर्ष का मिश्रधन क्या होगा, यहाँ 20 वर्ष का मिश्रधन है, ठीक है, तो 4 वर्ष का, ठीक है, रेट क्या हो गया, टाइम हो गया 4 वर्ष हो गया, रेट कितना दिए हुए, 20% दिए हुए, और प्रिंसिपल कितना दिए हुए, यानी कि मूलधन कितना दिए हुए, 4000 दिए हुए, 4000 का 20% 25 टाइम 20 वर्ष का और रेट है 25, तो कितना आ जाएगा, 20000 आ जाएगा। मूलधन बराबर क्या होता है, मूलधन जोड़ ब्याज, ठीक है, यहाँ मूलधन कितना 4000 है और ब्याज कितना है 2000 है, ठीक है, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, यहाँ प्लस का होगा, ठीक है, या 24000 हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सिगरेट लाइटर्स में कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, तो ब्यूटेन गैस इस्तेमाल की जाती है। समान दाब ताप एवं दाब की अवस्था में ब्यूटेन एक गैस है, ब्यूटेन का कार्बनिक यौगिक के सूत्र क्या होता है, C4H10 होता है, ठीक है। यहाँ पे रीजनिंग का प्रॉब्लम है, कर लीजिएगा, ठीक है, ए को माइनस दिए हुए, बी को दिए हुए, सी डी पर यहाँ पे बना हुआ भी है, आप लोग देख लीजिएगा, 54 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर तो यहाँ पे भी देखिए वही बात है, पी यहाँ पे 4 है 3 है, यहाँ 4 है तो बीच में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो गया बीच में, ठीक है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, एक सी, एक ए और डी में, क्या 3 बीच में है। उसके बाद फिर क्या देखें, पी क्यू आर एस 3 नंबर, 3 ऐड करते हैं तो ऐसा आता है, ठीक है। इसी तरीके से भी में 3 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इसलिए आंसर इसका कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी बना हुआ है, देख लीजिएगा इसको भी, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट है, मानव शरीर का रक्त बैंक किसे कहते हैं, ठीक है, तिल्ली को क्या कहते हैं, तिल्ली यानी स्प्लीन को क्या कहते हैं, रक्त बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक कहा जाता है स्प्लीन को, यानी तिल्ली। नेक्स्ट है, भारतीय नौसेना की पहली पहली महिला पायलट कौन है, तो भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट जो है शुभांगी स्वरूप है, कौन है, शुभांगी स्वरूप, भारतीय
नौसेना की पहली महिला पायलट। तो है नेत्रदान की प्रक्रिया में आँख का कौन सा भाग दिया जाता है, कॉर्निया दिया जाता है। ठीक है, कॉर्निया पारदर्शी होता है या हमारी घड़ी की कांच के समान समान पारदर्शी होता है तथा इसके अपारदर्शी या धुंधला होते ही इसे बदल सकते हैं। ठीक है, से विषम को इनमें से विषम को चुनना है। तो विषम क्या है, फायरफॉक्स। फायरफॉक्स क्या है, विषम है, बाकी गूगल, बिंग और याहू, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। ठीक है, ये सब क्या है, सर्च इंजन है। फायरफॉक्स एक ब्राउजर है, जबकि ये फायरफॉक्स क्या है, एक ब्राउजर है, बाकी ये सब जो है सर्च इंजन है। ठीक है, वो जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है, क्वेश्चन है 10 38 डिग्री, ठीक है, इंटू सॉरी 10 38 डिग्री इंटू 10 52 डिग्री। ठीक है, फिर साइन 42 डिग्री बटा कॉस 48 डिग्री, फिर कॉट 37 डिग्री इंटू कॉट 53 डिग्री। यहाँ देखिए 10 10 जो है 38 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 90 90 माइनस 52, यानी कि 90 में से हम लोग को 52 अगर घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 80 आ जाता है। फिर इस पर 10 को सही छोड़ देंगे, ठीक है, 10 52 रहने देंगे। इसके बाद फिर साइन जो है 42 है, ठीक है, यहाँ कर देंगे साइन 90 माइनस 48 डिग्री इजिकल टू कितना आ जाएगा, 42 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, फिर उसी तरीके से कॉट है, कॉट है, इसको 53 को रहने देंगे, कॉट 37 डिग्री है, तो यहाँ 37 यानी कि 90 में से 53 घटाएंगे तो कॉट 90 माइनस 53 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, 37 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 10 90 डिग्री माइनस थीटा इजिकल टू क्या होता है, कॉट थीटा, तो थीटा कितना है, 52 है, तो यह कॉट 52 डिग्री हो गया, यहाँ क्या हो गया, 10 52 डिग्री हो गया। ठीक है, और प्लस उसी तरीके से ये साइन का है, तो साइन का जो हटेगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। फिर 10 10 कॉट जो है, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, 10 थीटा होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं, तो फिर देखिए आगे, यहाँ कॉट कितना है, 52 डिग्री है, 10 है ना, तो कॉट थीटा बराबर होता है, यहाँ कॉट थीटा बराबर होता है 1/10 थीटा। यहाँ कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक है, बराबर क्या होता है, 1/10 थीटा होता है। ठीक है, और 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा, यहाँ से 10 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 10 थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 1/cot थीटा। तो भाई ये 1/cot 1/10 थीटा हो जाएगा, तो यानी cot थीटा और 10 थीटा कट गया, फिर यहाँ से 10 थीटा है और cot थीटा है, तो ये भी 1/cot थीटा हो जाएगा, ये cot थीटा हो जाएगा, कट जाएगा, फिर यहाँ से भी कट जाएगा, cos 48 है, और यहाँ नीचे भी cos 48, ये भी कट जाएगा, यानी कि 1+1 इजिकल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा आंसर है इसका। ठीक है, आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, कौन सा एसिड पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। नेक्स्ट है, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है, रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश में, रोहतांग दर्रा कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक एसिड। यहाँ दिए हुए साइन थीटा इजिकल टू 10/26 दिए हुए। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, यहाँ साइन थीटा क्या हो गया, 10, लंब बटा कर्ण 26 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर। ठीक है, तो 26 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा इसका, 24 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, ये इसका आधार कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगी। ठीक है, ये 24 हो जाएगी। अब जो है क्या कर रहा है, 10 थीटा बराबर क्या होता है, साइन याद रखें, LAL/KKA। ठीक है, यानी कि साइन थीटा लंब बटा कर्ण हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण हो जाएगा, और 10 थीटा बराबर लंब बटा आधार हो जाएगा। ठीक है, 10 थीटा लंब बटा आधार, लंब कितना है 10 और आधार कितना 24, तो क्या हो जाएगा, 10/24 हो जाएगा। ठीक है, प्लस कॉस थीटा, और कॉट यहाँ से उल्टा चलिए, ठीक है, यहाँ से उल्टा चलिए, ठीक है, यानी कि यहाँ से चलेंगे, यहाँ से यहाँ तक चलेंगे। ठीक है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार कितना है 24 है, ठीक है, लंब कितना है 10 है। ठीक है, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 24 आए कितना हो जाएगा, 24 आए देख लीजिए, चौबीस आए 576 हो जाएगा। ठीक है, कितना, 576 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका इसके बाद फिर यहाँ से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, तो 676/24 यानी कि 169/60 आ जाएगा, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा। इसमें देखिएगा
कि यहाँ 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर करते हैं बराबर है 144 प्लस 9 81, ठीक है, माइनस 12 है 144, 144 बाई माइनस 9 81 करते हैं, ठीक है 63 आया। तो उसी तरीके से 13 का स्क्वायर करेंगे माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 150 आ जाएगा, 105 आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से 17 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 168 आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें से कर रहा है कि संबंध स्थापित करना है अंक गणित बीज गणित और गणित में, ठीक है। तो ये पूरा गणित हो गया, इसी के अंदर आता है, गणित के अंदर ही आता है, अंक गणित आता है या बीज गणित आता है, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, इसी तरीके से हृदय रोग विशेषक है जो दिल के लिए होता है, ठीक है। इसलिए डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मा मतलब क्या होता है, स्किन होता है, तो डर्मेटोलॉजिस्ट होता है किसके लिए होता है, तो त्वचा के इलाज करता है, ठीक है। यहाँ देखिए एक्स इजिकल टू 99 दिए हुए हैं, तो एक्स प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस 2 यानी कि क्या कर लेंगे इसको, एक्स का एक्स की जगह पे 99 रख देंगे, ठीक है। या इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, कि एक्स है इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 1 है, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 हो जाएगा, फिर एक्स प्लस यानी कि क्या हो गया, एक्स प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यहाँ निकालिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, सॉरी यहाँ बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ दिए हुए देखिए एक्स स्क्वायर हो गया 2x यानी 2x इंटू 1 तो 2x हो गया, यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो यानी एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, यानी 90x क्या 99 दिए हुए है, तो 99 आप प्लस 1 तो 100 हो जाएगा, यानी कि 100 का स्क्वायर कर दिए तो कितना आ जाएगा, इतना यही आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे क्या है, यहाँ क्वेश्चन है कि डॉब्सन यूनिट का संबंध किससे है, तो ओजोन क्षरण से। डॉब्सन यूनिट का संबंध किससे, डॉब्सन यूनिट का संबंध किससे, ओजोन क्षरण से है, ठीक है। आगे यहाँ देखिए 6, 12, 24, 42 और 66 है, तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तो 6 इसका डिफरेंस अगर देखते हैं तो 6 गुना 2 है, ठीक है, तो 6 दुनी 12, फिर इसका डिफरेंस देखिए 6, 12, 18, 24 यहाँ ये चीज़ है, फिर इसका डिफरेंस देखते हैं 6 आता है। यहाँ पे हम लोग दूसरे तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि 6 गुना 2 हो गया तो 6 दुनी 12 हो गया, फिर 6 गुना 3 हो गया, 6 3 18 हो गया, फिर 6 गुने 4 हो गया, 6 6 सॉरी यहाँ 6 गुने यहाँ ऐसे कर सकते हैं, 6 गुना 2 हो गया, फिर यहाँ कर सकते हैं 6 गुने 3 कर दिए, फिर 6 गुना 4 कर दिए, फिर 6 गुना 5 कर दिए, ठीक है, और फिर 6 गुना 3 कर देंगे, ठीक है, 6 कम 6 किया 6 गुना 1 6 दुनी 2 12 हो गया, 6 गुना 3 6 3 18 हो गया, 6 गुना 4 24 हो गया, 6 5 30 यानी 30 हो गया, ठीक है। यानी कि 66 में हम लोग 30 ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, ठीक है, ये गलत है, या फिर इस तरीके से भी बना सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पे बना हुआ है, ये आप पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा है, तो हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना जो है चैत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है?